नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिंधी कढ़ाई में ये वाला फ्लावर बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, इसको मैंने ऐसे कॉपी में ड्रॉ करके रखा है, जिसको मैं फिर से बता दे रही हूँ। ये देखिए, जो ये हमने वन नंबर लिखा है, सबसे पहले हमें स्टार्टिंग यहाँ से करना है। इस तरह से ये जो हमने एरो के निशान बना दिए हैं, ये यहाँ पर ये पहली लाइन यहाँ तक जाएगी। फिर यहाँ से ये दो नंबर हमने लिख रखा है, यहाँ तक ही ये दो नंबर की लाइन रहेगी। उसके बाद देखिए, हमने एरो के निशान बना दिए हैं। अब ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से पूरे एरो के निशान मैंने बना दिए। अब ये तीन नंबर की लाइन जो है, ये यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे ख़त्म होगी। फिर यहाँ से इधर टर्न करना है हमें, इस तरह से हमने। फिर ये फोर्थ लाइन है, हमने पूरे एरो के निशान बना दिए। जैसे जैसे एरो का निशान लगा हुआ, हमें वैसे वैसे उसमें कढ़ाई करना है। आइए मैं आपको बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, हमने इस तरह से कपड़े में ड्रॉ करके रखा है। जैसे हमने कॉपी में ड्रॉ किया था, सेम वैसा ही हमने इस कपड़े पर ड्रॉ किया है। देखिए, जहाँ पर हमारा वन नंबर लिखा हुआ है, हम वन नंबर की लाइन पर हमने इस तरह से सुई को निकाला और ये वन नंबर की लाइन जो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, हम इस तरह से यहाँ डालेंगे और हमने इस तरह से निशान बना के रखा है। ये देखिए, यहाँ हम सुई को डालेंगे और इस तरह से हमें इसे क्रॉस करते हुए हमें निकालना है। ये हमारा धागा, जैसे मैंने पहले बताया था, बेसिक जब भी हम बनाते हैं सिंधी कढ़ाई में, तो ऊपर का धागा जो है हमारे ऊपर ही आता है। ये देखिए, ये हमारा ऐसे ऊपर ही रहेगा। अब देखिए, ये हमारी जो जिस लाइन पे ये है, ये हमारी दूसरी लाइन है, हमने दो नंबर लिख के रखा है। तो हम यहाँ दो नंबर की लाइन पे इस तरह से हम यहाँ पे हम सुई को डालेंगे और इस तरफ से निकालेंगे, क्योंकि हमें ये देखिए, हमें टर्न कैसे करना है, नीचे की लाइन जो है ये स्क्वायर बनाना है। तो इसलिए हम सुई को ऐसे डालेंगे और इस तरफ से निकालेंगे यहाँ से क्रॉस करते हुए, ताकि हमारा नीचे का जो है स्क्वायर, वो हमें बनाना है। ये देखिए, अब हम यहाँ पे, आप कॉपी के ड्रॉ में आप देखेंगे, उसमें सारे एरो के निशान बने हुए हैं, उसमें आपको बनाना बहुत ही आसान लगेगा। ये देखिए, इस तरह से हमें कहीं भी अभी हमें धागा नीचे नहीं लेना है। ये अब हम तीसरे नंबर की लाइन पे आ चुके हैं। ये देखिए, अब हमारे ये हम तीसरे नंबर की लाइन में आ चुके हैं। अब हमें इस धागे के नीचे से इस तरह से सुई को निकालना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे जो ये वाला धागा है, ये दो नंबर वाली लाइन का धागा जो है यहाँ पर नीचे है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसके ठीक बगल वाला जो है वो ऊपर रहता है, इसलिए हमने इस धागे को ऐसे ऊपर करके रखा और यहाँ से हमने नीचे निकाल के ये तीन नंबर की लाइन हम बना रहे हैं। ये देखिए, अब हमें ये वाला स्क्वायर बनाना है, तो इसलिए हम सुई को इस तरफ से डालेंगे और यहाँ से स्क्वायर बना, छोटा सा क्रॉस बनाते हुए हमें निकालना है। ये देखिए, अब हमारा ये वाला धागा, देखिए तीन नंबर का धागा यहाँ पर नीचे, तो अब हमें यहाँ पर ऊपर रखना है। ये देखिए, यहाँ पे अब हमें ऊपर रखना है, इसलिए हम सुई को इसके नीचे से निकालेंगे। अब हम फोर्थ नंबर की लाइन को बना रहे हैं। ये देखिए, जहाँ पर हमने फोर्थ नंबर लिख के रखा है, ये अब हम फोर्थ नंबर की लाइन बनाएंगे। ये एक तरह का बॉर्डर है, मैंने सिर्फ दो ही स्क्वायर फ्लावर को जोड़ के मैंने ये बॉर्डर बनाया है। आप चाहें तो इसको बहुत लंबा बॉर्डर भी बना सकते हैं, साड़ी में बना सकते हैं या कुर्ते के नीचे बॉटम में आप इसको बॉर्डर बना सकते हैं।
ये देखिए अब हम पांचवी लाइन पे आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने पांच नंबर लिख के रखा है। अब हम ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये धागा हमारा नीचे है, तो अब हमें यहाँ से सुई के नीचे, सुई को नीचे से निकालना है ताकि ये हमारा धागा जो है वो ऊपर रहे। ये अब देखिए ये हमारा छः नंबर की लाइन पे हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये हमारा सिक्स नंबर लिखा हुआ है। अब हम सिक्स नंबर की लाइन में हम सीधे इस तरह से लेंगे, यहाँ से नीचे निकालते हुए लेंगे, क्योंकि इसके जस्ट बगल में जो बना हुआ धागा ना, आप उस धागे को देखेंगे कि वो नीचे है या ऊपर है। अगर उसके बगल वाला धागा ये देखेंगे आप यहाँ पर नीचे है, तो आप इसको इसके बगल में जो है ये इसको आप ऊपर रखेंगे, क्योंकि एक जगह नीचे और एक जगह ऊपर रहता है, ताकि ये धागे जो हैं आपस में फंसे रहें। क्योंकि अगर हम दो जगह कर देंगे ऊपर, तो ये धागा जो है हमें इस तरह से ऐसे उठा उठा दिखाई देगा, ऐसे नहीं दिखना चाहिए। तो इसलिए हमारा ये धागा यहाँ पर नीचे है, तो यहाँ पर हमारा यही धागा ऊपर रहना चाहिए। ये देखिए अब हम सिक्स नंबर की लाइन पे पहुंच चुके हैं। ये आप किसी भी धागे से बना सकते हैं, मैं तो क्रोशिया के धागे से बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा मोटा रहता है। क्रोशिया के धागे से बना सकते हैं या एंकल के धागे से आप बना सकते हैं। ये देखिए अब हम सातवें नंबर की लाइन पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए अब हम ये सात नंबर की लाइन, हमने सेवन नंबर लिख के रखा यहाँ पे। अब हम इस वाली लाइन के नीचे से इस तरह से निकालेंगे। ये देखेंगे ये धागा अब हमारा यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर ये वाला धागा हमारा ऊपर होना चाहिए। धागे का विशेष ध्यान रखना है ऊपर या नीचे, नहीं तो पक्का नहीं हो पाता है। ये देखिए अब हम सातवें नंबर की लाइन को बनाएंगे। ये देखिए अब हम आठ नंबर की लाइन पे आ गए हैं। ये देखिए हमने एट नंबर लिखा है, और ये अब आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए हमारा ये धागा इस तरह से ऐसे हम सुई को निकालेंगे। ये देखिए हम आठ नंबर, कुल आठ लाइनें बनती हैं लंबी वाली, जिससे हमारे ये दो स्क्वायर जो है वो जुड़ जाते हैं। ये मैंने सिंगल पहले एक वीडियो में बनाना बताया है, ये दो जुड़ के बनाया है। आप इसको चाहें तो बहुत सारे भी जोड़ सकते हैं आप इसमें। ये देखिए इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अगर आप चाहें तो इसको और लंबा भी बना सकते हैं। ये देखिए जो हमने यहाँ से वन नंबर की लाइन से दो नंबर की लाइन तक गए थे, तो दो के बाद हम नीचे टर्न नहीं करते हैं। अगर हमें इसे और लंबा बॉर्डर बनाना है, तो हम यहीं पे हमारा चेंजेस होता है कि जो हम सिंधी कढ़ाई में बेसिक चीज़ बनाते हैं ठीक वैसा ही बनेगा। ये वन नंबर की लाइन से लेकर जब हम दूसरे नंबर की लाइन पे आएंगे, तो दो नंबर की लाइन से हम नीचे ना जा करके हम वापस आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारा बेसिक चीज़ बनेगा। फिर तीन नंबर लाइन ऐसे करके हमारा सीधे आगे बनते चले जाएगा। मैं आपको कॉपी में इसको ड्रॉ करके बता दूंगी, तो आप इसको लंबा बॉर्डर भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।